way back a year ago. Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. So today is my birthday. I have turned 30, guys. 30 mera ab running mein chalega. I'm kind of excited and kind of nervous about like turning 30. It's a big deal, all right. I hope sab kuch acha acha ho mere saath future mein. Kuch naye achievements main achieve karu 30s mein. Anyway, so wanted to do like a special glow up video for like turning 30, but wo ho nahi paya. You know, ab jo plan karte ho wo ho nahi pata. कभी कभार सो इस साल वो हो नहीं पाया. सो आज का वीडियो होने वाला है लास्ट मिनट ग्लो अप रूटीन इंक्लूडिंग गेट रेडी विथ मी फॉर माय बर्थडे. आई हैव दिस ब्यूटीफुल लिटिल ब्लैक ड्रेस दैट आई वांट टू वेयर फॉर माय बर्थडे. शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, सो आई वांट टू वेयर दैट ड्रेस एंड इट्स अ शॉर्ट ड्रेस. ऑलराइट, सो आई नीड टू वैक्स माई लेग्स क्योंकि कुछ एक महीने से ऊपर हो चुके हैं, वैक्सिंग नहीं कराई है. बाल छोटे छोटे पोकी पोकी से अब आ गए, वो ड्रेस के नीचे दिखाई देंगे डेफिनेटली. आई डोंट वांट टू गो फॉर लाइक शेविंग क्योंकि शेविंग से मुझे इरिटेशन होती है स्पेशली लेग्स में. सो फर्स्ट थिंग फॉर माई ग्लो अप इज दैट गेटिंग वैक्सिंग ट्रीटमेंट डन. मैं जाके नहीं कराऊंगी सलोन में. आई हैव बुक्ड अर्बन कंपनीज रोल ऑन वैक्सिंग सर्विस एट होम. वो घर आके वैक्सिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं. वो आने वाले कुछ 10 बजे के आसपास, अभी 9 बज रहे हैं. हेलो, आ जाइए. थैंक यू. गाइज, परमजीत कौर जी फ्रॉम द यूसी टीम इज हियर. वो यहाँ पे ही मेरे बेडरूम में अपना सेटअप जमा रही. मैंने उन्हें लोकेशन बता दिया था. वो सारा अपना इक्विपमेंट खुद लेके आए हैं. सो इट्स गोना टेक लाइक 5 और मिनट्स ताकि वो अच्छा सा अपना सेटअप जमा लें एंड देन वी कैन स्टार्ट दी रोल ऑन वैक्सिंग प्रोसेस. हाय, तो आप एक बार रोल ऑन वैक्स दिखाएंगे जो यूज करने वाले हैं? हाँ जी. ओके, सो अभी अभी उन्होंने इसका स्टिकर भी मेरे सामने ही खोला एंड पूरा सेटअप वो जमा चुके हैं. Now I'm going to go there. Vaccine process already start ho chuka hai. My sister is helping me to film this entire routine and process. Mujhe garam bilkul feel hi nahi ho raha hai guys because this has a very unique temperature control applicator jo ki ekdam even application deta hai. Also the wax that I have opted for, this is colophony free roll on a wax. The colophony is a substance that you will find in teen waxes that can lead to like rashes and sensitivity, but this wax won't leave any rash and this is completely safe to use for the skin as well. And I have extremely sensitive skin, you guys know this already. Also ek aur cheez mujhe kafi zyada achhi lagti hai aur aap bhi notice kar sakte ho about this wax is that because it has unique temperature control applicator, it provides even application and heating to the skin. Aur isi applicator ki wajah se skin mein ekdam bahut zyada garam feel nahi hota hai kyunki heating uniform rehti hai throughout the waxing process. So this unique applicator prevents extra heating to the skin. सो दोनों हाथों की वैक्सिंग रूटीन कंप्लीट होने के बाद पोस्ट के रूटीन में शी अप्लाइड ऑयल ऑन माय हैंड्स एंड अप्लाई दैट इवनली ऑल ओवर माय हैंड्स. दिस इज गोना हेल्प टू सूद माय स्किन एंड आल्सो गोना रिमूव दी थोड़ा बहुत रेसिड्यू जो कि वैक्स का रह गया होगा फ्रॉम माय स्किन. उसके बाद शी स्टार्टेड द वैक्सिंग प्रोसेस फॉर माय लेग्स. मैंने शॉर्ट्स पहन लिया था इस वक्त, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पैरों में ना बालों की ग्रोथ ज्यादा बुशी आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि कुछ 40 डेज पहले ही मैंने वैक्सिंग रूटीन कराया था. अगर मैं 2 या 3 महीने तक वैक्स ना करूँ तभी जाके ग्रोथ ऐसे घने दिखते मेरे बालों के पैरों में. जो एक बार है वो लेग्स और हैंड्स के लिए हो जाता है पूरा आराम से, बच भी जाता है. तो मेरे लिए पूरा बार कंप्लीट हो जाएगा ना? अंडरआर्म्स इंक्लूडेड? अंडरआर्म्स तो हो ही गया. हाँ, ये जो रोल ऑन वैक्स है वो सिर्फ मेरे लिए है, मतलब मेरे बाद किसी पे भी यूज नहीं होगा. मेरे पे यूज हो रहा है, उसके बाद they are going to like discard this wax away, which is amazing. So which means this is completely hygienic wax. The hygiene is ka bahut top notch pe, and also this is like rash free wax, so which is a plus point always for a sensitive girl like me. Bahut hi sensitive skin hai meri. Anyway, let's go back to the waxing routine. The entire routine and process was so seamless. I was just laying in the bed and she was so professional. She knew what she was doing. Aur main dekhna chahti thi ki kitna wax bacha hai after using the wax on my hands and legs. Aur unhone mujhe दिखाया कि ट्यूब ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म हो चुका था, दैट शी डिस्कार्डेड. उसके बाद शी स्टार्टेड रैपिंग द एंटायर सेटअप. पूरा सेटअप रैप किया. शी आल्सो सैनिटाइज्ड द एरिया जहां पे वो बैठे थे और जहां पे उनके प्रोडक्ट्स उन्होंने रखे हुए थे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए आ जाइए.
मिस कॉल लेफ्ट शी डिड अ वेरी गुड जॉब विद द वैक्सिंग गाइस आई एम सो हैप्पी कि बहुत बड़ा काम हो चुका है इस ग्लो अप का एंड इट्स ऑलरेडी 12 सो आई स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश माय लास्ट मिनट ग्लो अप एंड देन गेट रेडी शाम तक मैं रेडी हो जाऊंगी माय हेयर इज लाइक सो डर्टी एंड ऑयली सो आई नीड टू वॉश माय हेयर शैम्पू कंडीशन करती हूँ ना कि आपसे मिलते हो थोड़ी देर में टेकन शार वॉश माई हेयर शैम्पूड एंड कंडीशन माई हेयर थोड़ा बहुत जो ग्लो अप का पार्ट है वो कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं तो सबसे पहले आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस नेल्स आई मीन लुक एट देम दे आर प्रीटी बैड कंडीशन यू नो यूजली मैं नेल एक्सटेंशन कराने का सोच रही थी बट उसके लिए भी टाइम नहीं है और दो घंटा लग जाता है उसको एंड माई नेल्स आर ब्रेकिंग अ लॉट आई मीन किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है मुझे उसकी वजह से मेरे नेल्स ना काफ़ी जल्दी टूट रहे हैं तो मैंने ऑनलाइन फेक नेल्स मंगाया है स्टिक ऑन नेल्स तो मैं वही अभी लगाऊंगी सो सबसे पहले नेल पेंट रिमूवर की मदद से जो नेल पेंट ऑलरेडी लगा के रखा हुआ था उसे मैंने रिमूव किया उसके बाद नेल कटर की मदद से आई स्टार्टेड कटिंग द लेंथ ऑफ माय नेल्स एकदम छोटे छोटे रखने थे मुझे सो स्टिक ऑन नेल्स के साथ ना तीन चीजें और आई थी अल्कोहल फ्री पैड क्यूटिकल पुशर और नेल फाइलर सो क्यूटिकल पुशर की मदद से आई स्टार्टेड पुशिंग द क्यूटिकल बैकवर्ड्स ठीक है ज्यादा पुश नहीं किया मैंने उसके बाद यूजिंग माई नेल कटर मैंने जो एक्सेस क्यूटिकल दिख रहा था वो मैंने कट किया इफ यू नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस प्लीज डू नॉट डू दिस स्टेप एट ऑल उसके बाद मैंने अल्कोहल फ्री पैड यूज किया और नेल के सरफेस पे अप्लाई किया बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेप ये क्या करता है नेल्स के सरफेस को ड्राई कर देता है उसके ऊपर आप अच्छे से स्टिक कर सकते हो आपके नेल्स उसके बाद स्टार्टेड स्टिकिंग ऑन दी नेल्स स्टिकर निकालने के बाद मैंने स्टिक करना शुरू कर दिया आप लोग देख सकते हो लेंथ छोटी है इन नेल्स की मतलब आई थॉट की थोड़ा और लंबा होता तो और अच्छा लगता एंड कलर आई थॉट इट वाज लाइक अ न्यूट पिंक कलर बट इट वाज मोर टुवर्ड्स लाइक पर्पल कलर बट एनीवे दिस इज द ओनली नेल केयर ऑप्शन एंड मेडिकल ऑप्शन दैट आई हैड एंड देयर वाज लाइक नो गोइंग बैक नाउ सो दोनों नेल्स को कंप्लीट करने के बाद दिस इज द फाइनल रिजल्ट माई नेल्स आर डन नॉट गोना लाइक आई एम नॉट लाइक एक्सट्रीमली हैप्पी विद इट आई एम गोना गिव देम लाइक 5 out of 10 कि ऐसे चल जाएगा लास्ट मिनट काइंड ऑफ नेल्स है मेरे ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टास्क दैट इज मुझे बाल सुखाने हैं सो लेट्स डू दैट पिछले बर्थडे पे मैंने बालों को कर्ल किया था और कोई फायदा नहीं था क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी थी कि सारे कर्ल्स लूज हो गए थे एकदम गायब से हो गए थे और मेरे बाल एकदम झाड़ू जैसे हो गए थे सो आई हैव डिसाइडेड टू लाइक ड्राई माय हेयर एंड स्ट्रेटन माय हेयर फर्स्ट थोड़ा सा हेयर सीरम ले लेती हूँ अपने बालों में 1 drop एंटी फ्रिज है ये और आई हैव एक्सट्रीमली फ्रिजी एंड्स आप लोग को पता है इस बार मैंने सोचा था कि हेयर कलर करूँगी अच्छा सा कुछ पर वो हो नहीं पाया इट्स ओके कभी और कर लेंगे इफ नॉट फॉर बर्थडे राइट उसके बाद आई बी यूजिंग हीट प्रोटेक्टेंट क्योंकि अभी हम बालों को सुखाएंगे इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज हीट प्रोटेक्टेंट ये एक्स्ट्रा शाइन भी प्रोवाइड करता है सिर्फ नीचे नीचे अपने बालों को ब्रश कर रही हूँ नहीं तो वो टैंगल्ड हो जाते हैं जब मैं सुखाऊंगी ना बालों को एंड लेट्स ड्राई माई हेयर नाउ बाल मेरे पूरे सूख चुके हैं यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम भी आ गया आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मैंने फ्लिप करके बालों को सुखाया था अब मैंने हॉट शॉट ऑफ कर दिया है अब सिर्फ कूल शॉट में अपने बालों को सुखाऊंगी ताकि जो ये फ्रिजी फ्रिजी दिख रहे हैं ना बाल वो थोड़े कम दिखे एंड वी आर डन मूविंग ऑन टू स्ट्रेटनिंग माई हेयर ओके सो सबसे पहले आई एम गोना स्प्लिट माई हेयर इन टू सेक्शंस दो सेक्शन हो जाते हैं मेरे लिए काफ़ी क्योंकि मेरे बाल बड़े फाइन से हैं ना इसकी वजह से Let's just clutch this upper section like that and we are going to work on this section. Straightener hot ho chuka hai mera there is no setting to this maximum temperature pe hi hai. First I like to brush my hair, detangle all of my hair and fir apne baalon ko straight karna shuru kar dungi. Jaise aap dekhoge na to utna zyada samajh mein aayega, aisa samajh mein nahi aayega aapko. And I have to go a little backwards guys because aaina yahan pe hai. एंड डन सी दिस साइड इज सो सॉफ्ट सिल्की एंड स्ट्रेट और अब मैं ये वाला साइड करूंगी एंड आई एम डन स्ट्रेटनिंग माई हेयर इट वॉज सो ईजी पीजी इट हार्डली टुक मी लाइक 15 मिनट्स टू ड्राई माई हेयर एंड स्ट्रेटन माई हेयर And my hair is all ready. All right, moving on to face care. पहले बालों को अच्छे से फेस से हटा देते हैं Then just clutch them like that. ये है मेरी फेस की रियलिटी ऑन माई बर्थडे एक्ने मार्क्स और स्कार्स दिख रहे होंगे ऑन दी राइट साइड ऑफ माई फेस गुड थिंग इज दैट एकदम
बम्प वाला पिंपल अभी मेरे फेस पे आज नहीं है और वही चाहती थी, यहाँ पे निकल रहा था आपको पता है। 2-3 दिन से लगातार पिंपल पैच लगाने के बाद काफी हद तक सूजन यहाँ पे कम हुई है। थोड़ा ब्लैकनेस दिख रहा होगा, वो फाउंडेशन लगाऊंगी तो चला जाएगा। अभी क्या है, कहीं कहीं पे मुझे पीच फर्स्ट नजर आ रहा है, ऐसे मतलब स्पॉट में मुझे बाल नजर आ रहे हैं, तो वो मैं शेव करने वाली हूँ। और शेव करने के बाद आई एम गोना वेट एटलीस्ट 2 आवर्स ताकि मेरी स्किन थोड़ी सी काम डाउन हो जाए, उसके बाद आई कैन स्टार्ट माई मेकअप रूटीन यूजिंग अ जेंटल क्लेंजर टू वॉश माई फेस बिफोर शेविंग। Going to pat dry my skin now. ये थोड़ा सा प्री एंड पोस्ट शेविंग जेल लेके मैं वहां वहां अप्लाई करूंगी जहां जहां मुझे शेव करना है। जो पता आप लोग पूछोगे कि शालिनी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रही है, क्योंकि पीच फज है यार, अगर मैं ऐसे जाऊंगी ना तो वो नहीं निकलेंगे। एंड आई एम नॉट गोइंग इन दिस डायरेक्शन क्योंकि वहां मुझे सीरियसली बाल नहीं नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं थोड़े से नजर आ रहे हैं, तो जस्ट ऊपर ऊपर से। आईब्रो के आसपास थोड़ा सा शेप दे देती हूँ मैं। अच्छी बात ये थी कि मेरे आईब्रोज ऑलरेडी शेप में थे, मुझे बस एक्स्ट्रा निकालना था। ट्राइंग टू ग्रो माय आईब्रो हेयर हियर, तो वहां वहां मैं शेप नहीं कर रही हूँ, जस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रास निकाल रही हूँ मैं। आई एम डन, सारे बाल निकल आए फेस के, आईब्रो के। लेट मी गो वॉश माई फेस। ओके, वॉश माई फेस, ऑल्सो पैड ड्राइड माई स्किन। आई बी यूजिंग मॉइस्चराइजर जिसमें नाइसरमाइड है। नाइसरमाइड इज रियली ग्रेट फॉर लाइक स्किन हीलिंग, इसकी वजह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ गुड अमाउंट एंड जस्ट पैट इट इन टू माई स्किन। थोड़ी देर से मैं सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी एंड दिस विल बी माय स्किन केयर रूटीन फॉर टुडे फॉर माय बर्थडे, एंड 2 घंटे बाद हम लोग मेकअप शुरू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द मेकअप। आई बी डूइंग अ वेरी सिंपल मेकअप, आई डोंट वांट टू पुट टू मच ऑन माय फेस क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है बाहर। तो आई हैव ऑलरेडी डन माय स्किन केयर रूटीन, सनस्क्रीन वाज द लास्ट थिंग दैट आई अप्लाइड। मैं जल्दी से हाथ धो के आ गई, लिप्स इतने फट रहे मेरे। आई एम गोना अप्लाई लाइक good amount of lip balm on my lips. Moving on to primer, I'll be using like a silicone based primer jo ki mere face ko mattify kar de, taking around 3 pumps, applying that on my face, T-zone area, yahan pe and on my mouth. Now I'm going to wait for at least 2 minutes taki ye primer acche se set ho jaye mere face pe and then I can start with the base makeup. 2 minute ho chuke hain, thoda sa orange color corrector laga rahi hu main apne lips ke aas pass yahan. This makeup base is going to be very similar to like my everyday makeup base jo main karti hu na, uske regarding maine video bhi post kiya hua hai, aap chaho to wo bhi dekh sakte ho. But aaj halka sa coverage mein jahan jahan pe mujhe aise spots dikh rahe na wahan zyada rakhungi. Going to wait for at least a minute taki ye bhi acche se settle ho jaye, tab tak main concealer apply kar leti hu. I won't be using any foundation today, just the concealer under eye pe, bags ko cover kar diya. Kal main bahut acche se soyi thi guys, pure 9 ghante ki neend liye maine, to aaj dark circles kam dikh rahe hain yahan pe, and just gonna spot treat my face acne marks ki family ke upar. Theek hai, 1 minute is done, so I'm gonna apply around my lips as well. Main lip and cheek tint lagana bhul gayi jo ki main usually lagati hu before applying the foundation और लाइक कंसीलर. सो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ क्विकली, गोना ब्लेंड इट लाइक दैट. उस प्राइमर की वजह से ना इतने स्मूथली सब ब्लेंड हो रहा है, आई कैन फील इट. ये ज़्यादा इसलिए भी लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर जब फाउंडेशन ब्लेंड करूँगी ना तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, इसलिए अभी एकदम ऑन माई फेस लग रहा होगा, ऑन माई नोज एज वेल. एंड दिस एरिया सेटिंग स्प्रे लेके पूरे फेस पे मार दिया, एंड नाउ आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग द प्रोडक्ट इनटू माय स्किन. यहाँ यहाँ पे तो ब्लेंड करने की अब ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन और टिंट को ब्लेंड कर दिया, बट जस्ट गोइंग ओवर दैट ताकि थोड़ा सा लाइट हो जाए वो. गोना अप्लाई सम मोर कंसीलर इन हियर एंड गोना लीव इट देयर ताकि वो दिखे नहीं. अब अपने छोटे से कंसीलर ब्रश की मदद से आई एम गोना ब्लेंड माय अंडर आई कंसीलर ओवर माय आईलिड एज वेल, जस्ट पैटिंग इट. गोइंग टू सेट माई अंडर आईज फर्स्ट यूजिंग 2 shades ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर. जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द नेम. पहले ना कंसीलर ब्रश की मदद से टैप कर देती हूँ 1 more time एंड देन पाउडर से सेट.
दिस ब्रश इज अमेजिंग गाइज. ओके, आईलिड पे ना मैं बहुत ही लाइट कलर का आई शेडो अप्लाई करूंगी. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्राउन न्यूड कलर एंड अप्लाइंग दैट ऑल ओवर माई आईलिड एंड ऑल्सो माई क्रीज. मैंने ब्लेंड इट एंड मैंने फ्लिक इट आउटवर्ड्स और इसी से मैं अपने नोज को भी कॉन्टोर कर रही हूँ जरा सा. इट्स टाइम टू डू विंग्ड आई लाइनर. सो आई लाइक टू लुक इन टू द मिरर लाइक स्ट्रेट एंड देन फ्लिक फर्स्ट एंड देन स्ट्रेट देखते हुए. ठीक है, मैं स्ट्रेट देख रही हूँ टिप से. सो व्हेन आई विल ओपन माई आईज यू गाइस कैन सी यहाँ पे ना एक लाइन क्रिएट हुई है. बट अगर मैं सीधा देखूंगी इट लुक्स लाइक अ विंग्ड आईलाइनर बिकॉज आई हैव स्लाइटली हुडेड आईज ना. सो दिस टेक्निक वर्क्स फॉर मी. आज तो मोटा क्रिएट हो गया, कभी कभी वो पतला भी क्रिएट हो जाता है, तो आज हम मोटा ही करेंगे दोनों साइड. और इनर कॉर्नर पे जब मैं जा रही हूँ तो आई विल मेक श्योर कि प्रोडक्ट कम अप्लाई करूँ. ओके, आई डिड माई अदर आई ऑफ कैमरा पिकिंग दिस ब्राउन आई शेडो अगेन. छोटे से पेंसिल ब्रश में लिया मैंने इसे और अंडर आई मतलब लोअर लैश पे अप्लाई करूंगी मैं कॉन्टोरिंग माई लोअर लैशेज. बहुत अच्छा लगता है, आप देखोगे देखना दिस वर्सेस दिस. ब्लैक को लेके मैं अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करूंगी. कोमिंग थ्रू माई आईब्रोज, आईब्रो पेंसिल की मदद से जहाँ जहाँ स्पार्श एरिया दिख रहा है ना वहाँ वहाँ फिल करना शुरू कर दूंगी. सो मैं हमेशा ना दूर से पकड़ना पसंद करती हूँ पेंसिल को एंड देन हल्का हल्का स्ट्रोक ऐसे स्ट्रेट. अब स्लाइटली नीचे देखते हुए मैं यहाँ पे आर्क क्रिएट करूँगी. अब दोनों को ब्लेंड करूँगी तो यहाँ पे ना ऐसे सीमलेस दिखनी चाहिए लाइन, एकदम अलग से लगानी चाहिए कि आपने अपने आईब्रोज को फिल किया है. नाउ आई एम गोना यूज माई आईब्रो मस्कारा एंड सेट माई आईब्रोज इन प्लेस. Going to curl my eyelashes now, guys. I'm going to apply my favorite mascara of the time. Or make secret batati. Kabhi kabhi main na halka halka stroke yahan pe bhi de deti hu apne mascara se. Now I'm just slightly gonna contour my face, the jawline area. Kya maine isse jawline area bola? My cheekbones and then my jawline area. एंड माई फोरहेड यहाँ पे हल्का हल्का सा. आपको पता ही हुआ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्ट्रोल माई फोरहेड व्हेनेवर आई एम अप्लाइंग लाइक एनी फाउंडेशन और कंसीलर, क्योंकि माई फोरहेड इज डार्कर देन रेस्ट ऑफ माई फेस. सो अगर मैं कंसीलर लगा के छोड़ दूँ तो दिस लुक्स डिफरेंट, द कलर लुक्स वेरी डिफरेंट. गोइंग टू अप्लाई सम पाउडर ब्लश ऑन माई फेस एंड यहाँ पे जस्ट प्रेसिंग इट इन टू माई स्किन ऑन माई नोज लाइक दैट. क्विकली गोना सेट माई एंटायर फेस. गोइंग टू फैन माई फेस स्पॉन्ज की मदद से. कहीं कहीं पे आई एम जस्ट प्रेसिंग द सेटिंग स्प्रे इनटू माय स्किन. लेट्स आउटलाइन माय लिप्स नाउ विद अ ब्राउन लिप लाइनर. एंड गोइंग टू अप्लाई अ डीप प्लम्प लिपस्टिक. इट्स अ मैट लिपस्टिक. एंड दिस वॉज अ लुक फॉर टुडे. दिस वॉज सो इजी टू क्रिएट और बहुत लाइट वेट भी है ये मेकअप. समथिंग दैट आई रियली वॉन्टेड दिस ईयर फॉर माई बर्थडे. उसके बाद मैंने थोड़ा सा परफ्यूम पहन लिया. दिस इज वन ऑफ माई करेंट फेवरेट परफ्यूम. कमिंग टू आउटफिट डिटेल्स, दिस लिटिल ब्लैक ड्रेस इज फ्रॉम जारा. द पैटर्न ऑफ दिस ड्रेस इज सो सेक्सी. डीप नेक लाइन है इसका. ये शॉर्ट ड्रेस है जैसे मैं आपको बताया, बट आई वॉज कम्फर्टेबल विद दिस लेंथ. माई हाइट इज 5'5" इफ यू गाइस आर वंडरिंग. आई वॉज वेयरिंग माई क्लियर म्यूल्स फ्रॉम H&M. एंड टू एक्सरसाइज दिस लुक मोर आई वॉज कैरिंग अ स्मॉल बैग. आई वॉज ऑल्सो वेयरिंग सम ज्वेलरी, टेंटी गोल्ड ज्वेलरी जो कि वाटर प्रूफ है एंड देर एंटी टैनिश ज्वेलरी एंड माई फेवरेट हुप ऑफ द टाइम. एंड दिस वॉज द एंटायर लुक फॉर माई बर्थडे. So this was the video for today, you guys. I really hope you enjoyed watching today's video. If you truly did, do not forget to subscribe to my channel if you haven't already. Like and share this video with your friends and family. And thank you so much to each and every one of you who wished me on my birthday. Aise pyar dete raho mujhe aur mere channel ko, mere videos ko. Thank you so much for always supporting and loving my content. Main aapse baad mein milti hu with brand new content on this channel. Bye everyone. Take care. I love you.